दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, जो कि हम बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। तो चिकन बनाने के लिए हमने लिए है आधा केजी चिकन, और हमने इसे वाश करके अच्छे से रख लिया है। तो दोस्तों चिकन बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 प्याज, 2 लहसुन, अदरक, 3 तेज़पत्ता और इलायची, दालचीनी, लौंग, जिसका हम बनाएंगे गरम मसाला। ने प्याज को कट कर लिया है। कुछ लहसुन को हम प्याज के साथ डालेंगे तेल में, और जो इलायची, लौंग और दालचीनी था उसे हमने उसका हमने पेस्ट नहीं बनाया, उसे हमने सिलहट पे कूट लिया है। और जो लहसुन और अदरक था उसका भी हमने पेस्ट नहीं बनाया, हम इसे सिलहटे पे कूट करके डालेंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस पे। उसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। हमने यहाँ पे तेल डाल लिया है, इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 तेज़पत्ता। फिर हम डालेंगे लहसुन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तब तक हम इसे फ्राई होने देंगे। जब ये ब्राउन कलर हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो हम अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक को अच्छे से चिकन में मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से चला करके ढक लेंगे। चिकन फ्राई होते रहेगा तब तक हम उसमें डालने के लिए मसाले को तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक को कूट लिया सिलहट पे। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हल्के से कूट लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। हम इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। चिकन को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसे हम धीमी आंच पर बनाएंगे ताकि ये जले ना। आप सब
सब देख सकते हैं चिकन गल गया है, तैयार हो चुका है मसाले डालने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जिसका हमने पेस्ट बनाया था। इसको हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे और फिर उसे ढक देंगे। ढकने के बाद फिर हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर बनाएंगे ताकि ये जले ना। मसाले डालने के बाद हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आप सब देख सकते हैं मसाला पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, हल्का सा पानी डालेंगे। अब हम इसे ढक के 2 या 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो आप सब देख सकते हैं हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो इलायची, दालचीनी और लौंग हमने लिया था उसी को कूट के हमने डाल दिया यहाँ पे। गरम मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके इसे ढक देंगे 2 मिनट जितना, ताकि ये तैयार हो जाए अच्छे से। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं हमारा चिकन बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और चिकन को अच्छे से निकाल के और रोटी के साथ गर्मा गर्म खा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चिकन बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।